नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के 5 ढाबों पर घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल होने पर बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि आपूर्ति विभाग की टीम ने राजा की मंडी बिजली घर कैंट के ढाबे पर छापेमारी करते हुए 25 सिलेंडरों को जब्त कर दिया। तो वहीं इस मामले पर जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि ढाबों और रेस्टोरेंट पर घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल की शिकायत पर 14 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई है। आगरा में बाबा का बुलडोजर धड़ाधड़ अतिक्रमण हटाने का काम करता नजर आ रहा है। बता दें कि आगरा ISBT पर अतिक्रमण पर निगम का चाबुक चला है, जिसे नगर निगम की टीम हटाने पहुंची है। बता दें कि इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर निगम की टीम, अधिकारी, कई JCB और पुलिस फोर्स मौजूद रही। आगरा में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान करीब 50 डंफर जब्त किए। बता दें कि इन डंफर में बालू, चंबल और पत्थर पुलिस ने जब्त किए हैं और यह अवैध खनन का ऑपरेशन सुबह 5 घंटे तक लगातार चलता रहा। आगरा के थाना कंदौली के नाई की सराय में एक युवक का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में युवक अपनी छत पर खड़ा होकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। बदायूं के नगर पंचायत उसाबा में अवैध कब्जे धारकों और अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रोड की जमीन और सरकारी कब्जेदारों को इस नोटिस से एक बड़ा झटका लग सकता है। तो एक बार न्यूज वर्ल्ड इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार जिस जीरो टॉयलेंस पे काम कर रही है उसको देखते हुए नगर पंचायत उसाबा में हम आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम उसाबा नगर पंचायत से जानेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश दिए हैं, अतिक्रमण हटाओ, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाओ। तो हमारे साथ यहां के चेयरमैन धीरेंद्र गुप्ता जी साथ में हैं और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अतिक्रमणकारियों ने किस तरह से जो अतिक्रमण किया था उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई उन्होंने शुरू की है। पहले तो धीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। जो नगर पंचायत उसाबा की अगर बात की जाए तो किस तरह की कार्रवाई उन भूमाफियाओं के खिलाफ या अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शुरू की है आपने? हमारे यहाँ शासन के निर्देशानुसार जो भी शासन के आदेश हैं उसी के क्रम में मेन मार्केट या मेन हाईवे पे जो अतिक्रमणकारी हैं उनके विरुद्ध किस तरीके से हम कार्रवाई करें, उनको हमने अभी कुछ दिन पहले नोटिस देकर आगाह किया है कि भाई किसी तरीके का कोई अतिक्रमण है आपके आगे, दुकान के आगे या मेन हाईवे पे आपने कोई अपनी रेता या बजरी या बिल्डिंग मटेरियल कोई भी सामान रोड पे रखा है उसे आप हटा लें, उनको नोटिस देके सूचित कर दिया है, आगाह कर दिया है और हमारे जो भी व्यापारी हैं उनको भी समझा दिया है। व्यक्तिगत तरीका से हमने उनको बता दिया कि किसी तरीके का अतिक्रमण ना करें, शासन की नीति के अनुसार आप लोग जो भी अपनी दुकान के या रोड पे जो भी जगह घेरे हुए हैं उसको खाली कर दें, जिससे जो लोग आम नागरिक हैं उनके लिए निकलने में, आने जाने में कोई दुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। और इसी क्रम में उनको नोटिस दे के समझा दिया है, चेतावनी दे दी है और अब वो लोग अपना अपना सामान जो है वो हटा रहे हैं। कंजेस्टेड एरिया में किसी तरीके की जो है आवागमन दिक्कत ना हो, बाजार में और मेन हाईवे पे लोगों को जागरूक कर दिया गया है, अब वो अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए, कोई नहीं हटाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, उनका अतिक्रमण अपनी नगर पंचायत टीम के द्वारा हटवा दिया जाएगा। अतिक्रमणकारियों से, उन भूमाफियाओं से वो भूमि जो है मुक्त कराने में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन है विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलब्ध में भाजपा 1 जून से सुशासन के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। संबंध में प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुनियाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी 1 जून से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का कार्य होगा।
गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। बता दें कि समारोह में दिव्यांगों की जरूरत का ध्यान रखते हुए उपकरणों को बांटा गया। इसमें एक दर्जन हाथ से चलने वाली ट्राईसाइकिल और 16 इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल बैसाखी कान से ना सुन पाने वालों के लिए उपकरण संस्था द्वारा प्रदान किए गए। मुझे ये जो भान दी गई RESL की तरफ से दी गई है और जो है मैं बहुत खुश हूँ और जितने भी मेरे भाई बहन आए थे दिव्यांग सबको मिला है और मैं अपने तरफ से उन लोगों को बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके हम लोगों को ये उपकरण हमें भेंट किया। ये वाहन दिया है आपको, हेलमेट भी मिला है। अच्छा जी, हेलमेट भी मिला है आपको? हाँ, मुझे हेलमेट भी मिला है, चार्जर भी मिला है और स्टैंड भी मिला है। RESL की CSR योजना के अंतर्गत आपके गदरपुर ब्लॉक में 62 लाभार्थी जो दिव्यांगजन हैं उनको विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राईसाइकिल, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, रोलेटर और जो मानसिक दिव्यांगता के हैं उनको किट दी जा रही है। और अब खबर पीलीभीत से, जहां ब्लॉक ललौरीखेड़ा स्थित बार डबादा ग्राम पंचायत से बताई जा रही है प्रधान के एक साल के कार्यकाल पूरे होने की खुशी में लोगों ने जश्न मनाया। आपको बता दें कि अब तक जितने भी प्रधान आए और गए सभी ने अपना घर बार फिलहाल इस खुशी के पीछे वर्तमान में गांव का प्रधान विजेश गंगवार द्वारा किए गए विकास कार्य हैं जिसमें सड़क खड़ौंजा समेत कई विकास कार्य शामिल हैं। और खबर रुड़की से, जहां एक बार फिर सरकारी विभाग की बदहाली का नमूना सामने आया। हालत इतनी खराब हो गई कि सूबे के मुख्यमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। आपको बता दें कि जब CM खुद निरीक्षण के लिए गए तो वहां कार्यालय में तैनात नारसन ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा अक्सर कुर्सी में दराज रहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने गुस्सा जताते हुए अन्य मौजूदा अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। देखिए, इसमें हम लोग ने पहले आज सप्लाई डिपार्टमेंट को ही देखा क्योंकि सप्लाई डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा समस्या आती है। तो सप्लाई डिपार्टमेंट में 3 सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं और 1 ARO साहब हैं। तो एक सप्लाई इंस्पेक्टर मिसिंग थे। जब 10:20 पे हम लोग वहाँ ऑफिस में पहुँचे, लेकिन 10:22 पर जब बाहर आए तो वो वहाँ आ गए थे। उनके द्वारा एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि वो जो लोगों के नाम कट रहे हैं उसकी फील्ड जाँच पे गए हुए थे। तो उनको एक तो वार्निंग दे दी गई कि भाई 10 से 12 जब आपका मिलने वाला टाइम है तो आप इसको करो, फील्ड जांच आप बाद में करिएगा, बाकी उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांग लेंगे। एक AWBN सेक्शन में हमारे कर्मचारी थे, वो आपके WBN सेक्शन में बेसिकली AWBN जो पोस्ट पे हैं वो मिसिंग थे। तो उनसे भी चमोली के गोपेश्वर में राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ राजपाल बिष्ट जी को 40 सालों की जन सरोकार से जुड़ी उल्लेखनीय पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही चमोली जिले के बैठाना में आयोजित योगेश्वर प्रसाद शास्त्री के प्रथम स्मृति समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मान भी प्रदान किया है। और अब खबर संभल से, जहां वर्दी के गरीबों को तार तार करने वाला नजारा सामने आया। जहां चौकी प्रभारी तेजवास के DJ पर ठुमके लगाते दिखाई दिए हैं। थाने का इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चोरों के बढ़ते प्रकोप ने लोगों को तो छोड़िए, पुलिस के घर को भी नहीं छोड़ा। बता दें कि चोरों ने आगरा के पुलिस लाइन स्थित 3 पुलिसकर्मियों के घरों को निशाना बनाया। खबरों की माने तो शातिर चोरों ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं इस घटना के बाद बड़ा सवाल यह है कि जब खाकी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। पुलिस लाइन के ईदगाह रेलवे स्टेशन की तरफ खाली पड़ी हुई जमीन की तरफ से पुलिस लाइन में कुछ चोरों द्वारा 3 घरों में चोरी की गई। ये सभी लोग छुट्टी पर गए हुए थे और मेरे द्वारा मौके का भ्रमण किया गया, निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। बहुत ज़्यादा सामान तीनों का नहीं गया है। एक मकान में तो चोरी भी नहीं, भारी ताला काटा था, ताला काट के अंदर घुसे हैं लोग। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई, बहुत जल्दी इस चोरी को वर्कआउट किया गया जाए। मेरे द्वारा RI पुलिस लाइन को उस तरफ
रात्रि पहरा लगाने का भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि उधर से बाउंड्री वॉल टूटी हुई है और जो ईदगाह की जमीन है, जो ईदगाह रजिस्ट्रेशन जमीन है, वो भी टीले नुमा है, ऊंची है, उधर से कूद कर भी घर आया जा सकता है। नगर पंचायत दिनेशपुर की बोर्ड की बैठक चेयरमैन सीमा सरकार के अध्यक्षता में नगर पंचायत सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान सभासदों के द्वारा जनहित के मुद्दों पर कई प्रस्ताव पास किए गए। उसके अलावा नगर पंचायत लिपिक राजेश कुमार ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बता दें कि इस बैठक में नगर को साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। पिछले बार का हमने अपना बजट रखा आय व्यय का कि हमारे लास्ट ईयर हमारे नगर पंचायत दिनेशपुर में कितना आय है और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ है। सबसे पहले तो हमारा एक मतलब बात करने का सबसे पहला मुद्दा वो था, और सेकेंड है कि हमारी राजनीति की जो हमारे पास प्रथम किस्त आई है, तिमाही प्रथम किस्त जो आई है राजनीति की, उसे हमें किस आधार पर और किस किन क्षेत्रों में खर्च करना है। मेन दो मुद्दे थे हमारे पास आज की बोर्ड बैठक में विचार करने के लिए, तो उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज ठाकरे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इसके अलावा बृजभूषण चरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे ने मौका गवा दिया। अगर राज ठाकरे संतों से, मोदी से और योगी जी से माफी मांगते तो ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो सरकार से मुफ्त में राशन ले रहे हैं ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, अब यूपी सरकार की नई गाइडलाइन आने के बाद उनमें हड़कंप मच गया। इस गाइडलाइन के तहत अपात्र कार्ड धारक अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति विभाग की दौड़ लगा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, यानी कि जिन धारकों के पास एसी ट्रैक्टर, लाइसेंसी बंदूक, 5 एकड़ से अधिक जमीन और आयकर दाता हैं, तो वो जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ रिकवरी के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये पात्रता और अपात्रता दोनों की शर्तें दी गई हैं। उसके अंतर्गत अपात्र आदमी वही है जिसके घर में सुख सुविधा संपन्न है, एसी है, चार पहिया गाड़ी है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, कल्टीवेटर है, परिवार में जो जमीन है वो 5 एकड़ से अधिक हो, कृषि योग्य भूमि और सरकारी नौकरी, या परिवार में समस्त स्रोतों से उसकी आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे ही लोगों को राशन कार्ड समर्पित करने की आवश्यकता है। साधारण सामान्य आदमी को ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो ऐसे संपन्न व्यक्ति हैं जो अपना समझते हैं कि वो उनको इस राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, अपात्रता की श्रेणी में है, उपरोक्त जो हमने अभी शर्तें बताई, वही राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्र हैं। बीपीएल कार्ड है मेरे पास और जो सरकार फैसला की है इससे मैं बहुत खुश हूँ। बड़े बड़े लोग आते थे, जिसके पास गाड़ी है, मोटर है, उनको मिल जाता था राशन, और हम गरीब लोगों को राशन नहीं मिल पाता था, कभी मिलता था कभी मिलता भी नहीं था, हम लोग बहुत परेशान थे इसके लिए। और जो ये फैसला योगी जी ने किया है बहुत अच्छा और बहुत सही फैसला किया, इससे हम बहुत खुश हुए हैं। इस फैसले का स्वागत करती हैं? जी, मैं इनका स्वागत करती हूँ, योगी जी के फैसले का स्वागत करती हूँ। तो क्या दिक्कत आती थी जो अमीर लोग आके ले जाते थे, तो आप लोग को क्या दिक्कतें आती थी? घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता था, धूप में लाइन भी लगाना पड़ता था, भीड़ में खराब, मैं बीमार भी हूँ, खड़ी नहीं हो पाती हूँ। हरदोई में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस व्यवस्था मस्जिदों के आसपास चाक चौबंद रही और अधिकारी भ्रमणशील रहे। शहर से लेकर गांव तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं एसपी राजेश त्रिवेदी ने कोतवाली शहर की जामा मस्जिद और शहर की अन्य मस्जिदों का भ्रमण किया। साथ ही एसपी ने शांति व्यवस्था में लगे पुलिस बल को चेक किया। एसपी ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सामान्य रूप से प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो भी संवेदनशील अवसर हैं उस पर पुलिस की मौजूदगी आप पाएंगे। आज जुमे की नमाज है, इस संबंध में हम पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा सबसे वार्ता की गई है, सब जगह अमन चैन है,
बस में यही देखें, भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। देखिए हर हफ्ते एक शुक्र पड़ता है, हर हफ्ते जुमे की नमाज होती है, लेकिन आज आपका आना क्या कुछ खास है? नहीं, रूटीन में आए, रूटीन में भ्रमण में आए। अलीगढ़ में दिल को झकझोर कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जब एक भाई के ही सामने उसकी बहन का चार लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपियों ने पीड़ित युवती को पहले तो गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को फांसी के फंदे से लटका दिया, ऐसा आरोप लग रहा है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 376D और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल में जुट गई है। मैं न्याय चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी सही जांच, मेरी बेटी, मैं बाहर था, मेरी पत्नी बाहर थी, मेडिसिन लेने गई थी, उसको बलात्कार करके उसको पंखे से टांग दिया। बेटी के साथ मर्डर हुआ, रेप हुआ और सामूहिक रेप हुआ है सर। मैं ये न्याय चाहता हूँ कि किसी तरह से इन मुलजिमों को फांसी की सज़ा मिले, इनको दंड मिले। पुलिस प्रशासन बिक गया है, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। जो धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उन धाराओं में वो पुलिस प्रशासन ने अरेस्टिंग नहीं दिखाई है। खबर जौनपुर के शाहगंज थाना से, जहां एक तरफा मोहब्बत का मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात युवक ने लड़की की फर्जी आईडी बनाकर उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के धरपकड़ के बाद आरोपी ने बताया कि वो उस लड़की से प्यार करता था, साथ ही उस लड़की की शादी तय होने से नाराजगी के चलते उसने ऐसी हरकत को अंजाम दिया। महिला कंप्लेनेंट SSP जौनपुर महोदय के समक्ष पेश हुई। उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि एक व्यक्ति उन्हें गलत फेक आईडी से फेसबुक पर परेशान कर रहा है। इस पर महोदय द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत कराया गया और साइबर की एक टीम बनाई गई। इसके क्रम में वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो चूँकि महिला को चाहता था और महिला की शादी होने वाली थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, इसलिए वो फेसबुक पर फेक आईडी बना के उसको बदनाम कर रहा था। इस संबंध में उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है, अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या उससे पहले भी बात वगैरह होती थी या उस टाइम भी खाली था? अभी देखिए विवेचना जारी है और जैसे ही कोई बात संज्ञान में आएगा। और अब खबर करना से, जहां बीते दिन विशेष सचिव के दिए बयान पर अधिवक्ताओं में आक्रोश दिखाई दिया। आपको बता दें कि सचिव अधिवक्ताओं ने अराजक तत्व भी बताया, साथ ही उन पर वकीलों ने उनके अधिकारों के हनन की बात भी कही। तो कन्नौज का ये पूरा मामला है, जहां पर अधिवक्ताओं ने सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ DM को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनका आरोप है कि लगातार जो सचिव हैं वो अधिवक्ताओं को अराजक तत्व बताते हैं, जिससे वो आक्रोशित नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।